हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था और जिसमें जो है एक क्लर्क की पोस्ट के रिगार्डिंग एक हमने जॉब एप्लीकेशन राइट की थी। आज की हमारी क्लास में हम जो है क्वेश्चन रखेंगे एक पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट करेंगे और उसके बाद में हम जो है जॉब एप्लीकेशन राइट करेंगे। तो सबका जो एक इसका जो मैटर है वो लगभग सेम सा ही रहेगा। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो आपको समझने हैं, बाकी उसी बेस पे आप कोई सी भी जॉब एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं कोई सी भी पोस्ट के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी जो नोटबुक है, कॉपी और पेन जो है आप निकाल लीजिए और मेरे साथ से टाइप कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक हमने लास्ट वीडियो में लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए राइट ए जॉब एप्लीकेशन, राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी टू द एमडी ऑफ राजस्थान ग्रुप, टू द एमडी ऑफ राजस्थान ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, सॉरी राजहंस, एमडी ऑफ राजहंस राजहंस ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज राजहंस ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जोधपुर। उसके बाद में एडवर्टाइज इन द advertised in the local newspaper advertised in the local newspaper of your city ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए समझेंगे। इसमें आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, कौन सी पोस्ट के रिगार्डिंग आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है यहां पर, फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी। जो पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको जॉब एप्लीकेशन राइट करनी है। किनको राइट करना है आपको, इसको लिखना है द मेन एमडी ऑफ राजस्थान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जोधपुर। ये एड्रेस आ जाएगा उनका जिनको हम जॉब एप्लीकेशन राइट करेंगे। एडवर्टाइज इन द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी की आपके जो सिटी आपका जो शहर है उसका जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां पर ये विज्ञापन आया था। किसकी पोस्ट के रिगार्डिंग, पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट के रिगार्डिंग। कहां से आया था, किनके यहां से आया था, द एमडी ऑफ राजहंस ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री जोधपुर के यहां से। तो आपको उसके लिए एक जॉब एप्लीकेशन राइट करना है। तो जॉब एप्लीकेशन जो है यहां पर टू पार्ट में हम राइट करते हैं। इसके एक पार्ट में तो हम जो है एक लेटर के रूप में होती है या एप्लीकेशन के रूप में होती है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर हम जो है रिज्यूम उसमें राइट करते हैं, रिज्यूम बनाते हैं। तो हम बना के देखते हैं। पहले पार्ट में आप एप्लीकेशन लिखेंगे, देखिए आंसर आप स्टार्ट करेंगे और आंसर जैसे आप स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे। देखिए यहां पर इसमें आपका एड्रेस नहीं बताया गया है और ना ही इसमें आपका नाम बताया गया है कि आपका नाम क्या है। तो आप अपना एड्रेस जो भी हो आप लिख सकते हैं जो आपकी मर्जी के हिसाब से, और उसमें जो है
लेकिन सामने वाले का जिनको हमको लेटर राइट करना है या जो एप्लीकेशन जिनको हमको देनी है उनका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है और वो क्या था, तो वो था एमडी राजन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जोधपुर, तो उसका उनका हम एड्रेस यहाँ पर राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एड्रेस है वो हम राइट करेंगे। और एक चीज और कर सकते हैं आप यहाँ पर देखिए, यदि इसमें आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप एग्जामिनेशन हॉल भी राइट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल भी राइट कर सकते हैं और अदरवाइज आपका जो एड्रेस है वो भी राइट कर देंगे तो भी सही होगा। तो इसमें आपने जैसे लिखा आंसर में सबसे पहले आपका एड्रेस फॉल्ट इन स्टेशन डॉट, फॉल्ट इन स्टेशन डॉट रतन मार्ग जोधपुर, ठीक है। और इसी के साथ में आप डेट राइट करेंगे, डेट फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में आप डेट राइट करेंगे। तो इसमें आप जैसे आपने कोई सी भी डेट इसमें क्वेश्चन में नहीं मेंशन कर रखी है तो आप कोई सी डेट आप उसमें ले सकते हैं, जैसे 20 मार्च 2020, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद एक लाइन का गैप रखेंगे आप और फिर जिनको हम जॉब एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं उनका एड्रेस लिखेंगे। तो उनका एड्रेस क्या होगा, द एमडी या फिर द मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी का मतलब क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उसमें लिखेंगे हम द मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर राजहंस ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जोधपुर, ठीक है, ये उनका एड्रेस हो गया। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या था, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, एक लाइन का गैप रखेंगे फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको, किस पोस्ट के रिगार्डिंग है, पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट के रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो इसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन का गैप रखेंगे और फिर आप जो स्टार्ट करेंगे सर से, या तो सर या फिर डियर सर कोमा, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, अब यहां पर जो न्यूज़पेपर है उसका भी क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो आपके यहां का कोई सा भी लोकल न्यूज़पेपर का आप उसमें नाम राइट कर सकते हैं, जैसे इन द हिंदुस्तान टाइम्स ठीक है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, द हिंदुस्तान टाइम्स, डियर सर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, अब यहां पर डेट कौन सी लिखनी है, जैसे सपोज करो आप 20 तारीख को एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, ये डेट होती है जब आप एप्लीकेशन या लेटर राइट कर रहे होते हैं उसकी डेट होती है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी इस विज्ञापन की, ये विज्ञापन कौन सी डेट को आया था तो उसकी बारे में, उसके बारे में लिखेंगे। तो जैसे इससे 4 या 5 दिन पहले हम लिखेंगे, जैसे डेटेड 15 मार्च 2020, ठीक है। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे आई वांट टू I want to submit my candidature
I want to submit my candidature for the same. उसके बाद में लिखेंगे माय रिज्यूम इज एनक्लोज देयर, कि मेरा जो रिज्यूम है, माय रिज्यूम इज एनक्लोज हियर, कि मेरा जो रिज्यूम है वो यहां पर क्या है, एनक्लोज. एनक्लोज का मतलब संलग्न है. एक बार इसे समझ लेंगे. देखिए सर, डियर सर, प्लीज सर, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, कि आपका जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके प्रत्युत्तर में, उसके प्रत्युत्तर में इन द हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में आया था, डेटेड 15 मार्च 2020 को, फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आई वॉन्ट टू सबमिट, मैं सबमिट करवाना चाहता हूँ माई कैंडिडेचर, मेरा जो कैंडिडेचर है उसको, फॉर द सेम, यानी इस चीज, इस पोस्ट के लिए. माई रिज्यूम इज एनक्लोज हियर, कि इसी एप्लीकेशन के साथ में मेरा एक रिज्यूम भी संलग्न है या जुड़ा हुआ है, इसके साथ में मैं भेज रहा हूं. उसके बाद में आप लिखेंगे इफ गिवन अ चांस, इफ गिवन अ चांस, कि यदि मुझे एक चांस दिया गया, यदि मुझे एक अवसर दिया गया, तो आई प्रोमिस टू सर्व कॉमा आई प्रॉमिस टू सर योर कंसर्न, योर कंसर्न, इफ गिवन अ चांस आई प्रॉमिस टू सर्व योर कंसर्न टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज. ये हो गया आपका. उसके बाद में आप लिखेंगे एक लाइन में कैप करके, थैंकिंग यू, ठीक है, और थैंकिंग यू के बाद में, थैंकिंग यू के नीचे आप लिखेंगे योर फैमिली, मैं इधर लिख देता हूं, इसके नीचे आपको राइट करना है, ठीक है, इसके नीचे आप राइट करेंगे योर फैमिली देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स के ये शिकायत आती है कि वो क्या करते हैं, या तो योर ही लिख के छोड़ देते हैं, वाई को यू आर, या फिर वो क्या करते हैं, वाई को यू आर अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. तो ये दोनों ही गलत है, वाई को यू आर भी गलत है और वाई को यू आर अपोस्ट्रोफी एस भी गलत है. आपको सिर्फ क्या राइट करना है, आपको सिर्फ राइट करना है वाई को यू आर एस, ये इसी में ही, इसी के साथ में है, ठीक है. तो योर फैमिली, उसके बाद में नेम आप कोई सा भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी नाम का मेंशन नहीं किया गया था, कोई भी नाम बताया नहीं गया था, तो जैसे इसमें आप लिख सकते हैं योर फैमिली देवेश कुमार. लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, कि जो नाम आप यहां पर लिख रहे हैं वही नाम आप जब इसके बाद में जब आप रिज्यूम तैयार करेंगे तो यही नाम उसमें भी होना चाहिए. और एड्रेस, ये वाला जो एड्रेस है, यही एड्रेस आपका उस रिज्यूम वाले एड्रेस में होना चाहिए, आप उस बात का ध्यान रखना है. तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, और ये आपने लिया योर फैमिली, इसके बाद नीचे देवेश कुमार, फिर एक लाइन का आप गैप रखेंगे और फिर आप लिखेंगे एन क्लॉज, क्या लिखेंगे, ई एन सी एल ओ एस एंडी, एन क्लॉज रिज्यूम, एन क्लॉज रिज्यूम, ठीक है. और ये आपका जिस पेज में, जितने भी पार्ट में हो रहा है, जहां तक भी हो रहा है, उसमें आप इसको छोड़ देंगे, बीच नीचे अगर आपकी लाइन बाकी रह रही है तो उनको छोड़ दीजिए. आपको नेक्स्ट पेज पे, सेपरेट पेज पे फिर हम क्या करेंगे, रिज्यूम तैयार करेंगे. तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा. देखिए अब कोई सी भी जॉब एप्लीकेशन, मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर जो चेंज करना है वो आपको सब्जेक्ट में, या तो ये चेंज करना है जो पोस्ट है वो चेंज करनी है, ये उसके अलावा ये भी आप सेम वैसा का वैसा रख सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट है, टीचर के रिगार्डिंग, मैनेजर के रिगार्डिंग, पोस्ट मास्टर के रिगार्डिंग, सॉरी इसमें जो है प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं. और
ये जो फॉर्मेट है ये भी आप बिल्कुल आप सेम कर सकते हैं। यहां पर आप जो चेंज कर सकते हैं वो क्या करेंगे, यहां पर ये बस आपको ये दो चीजें आपको चेंज करनी है, बाकी ये फॉर्मेट पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही आप राइट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। इसके बाद रिज्यूमे बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको समझेंगे तो इसके नंबर है आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर आपको आपके इसमें आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, यहां पर ये जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये पोस्ट यहां पर चेंज करनी है और ये पोस्ट यहां पर चेंज करनी है, जो पोस्ट क्वेश्चन में दी हुई है वही आपको यहां पर राइट करनी है, बाकी सारा का सारा आप यहां पर वैसे का वैसा राइट कर सकते हैं। तो अब देखिए हम रिज्यूम तैयार करेंगे, रिज्यूम में आपको नेक्स्ट पेज पे मतलब सेपरेट पेज पे आपको लेना है, इसके नीचे से आपको स्टार्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ये आपका बिल्कुल सेपरेट पेज होगा, अलग पेज होगा, आगे वाला पेज होगा, उसमें उसमें आप लिखेंगे ऊपर रिज्यूम, ठीक है। और रिज्यूम में आपको क्या क्या राइट करना होता है, खुद का नेम राइट करना होता है, फादर का नेम आप राइट कर सकते हैं, मदर का नेम राइट कर सकते हैं आप, इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करेंगे इसमें, आपका जो एड्रेस है वो मेंशन करेंगे, आपका कॉन्टेक्ट नंबर मोबाइल नंबर वो आप उसमें मेंशन करेंगे, इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी वो आप उसमें लिख सकते हैं, आपका जो मैरिटल स्टेटस है आप शादीशुदा है या सिंगल है उसके बारे में बता सकते हैं, आपकी नेशनलिटी बता सकते हैं कि आप इंडियन हैं या बाहर के हैं, इसके अलावा आपकी जो इसमें लैंग्वेज आप बता सकते हैं आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, स्किल्स में आप बता सकते हैं आपको क्या क्या आता है, और इसके अलावा तो ये सारी चीजें हॉबीज में आप बता सकते हैं आपको क्या क्या पसंद है, तो ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी होती है, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीजें आपको रिज्यूम में राइट करनी होती है। तो रिज्यूम में सबसे पहले जैसे आप नेम राइट करेंगे, नेम नेम क्या था उसके अंदर आपका जो भी आपका था देवेश कुमार, यहां पर आपका जो भी नेम था आपका जैसे नेम में आपने लिखा जो उसमें हमने एप्लीकेशन में था वही नेम लिखेंगे देवेश कुमार, ठीक है। फादर नेम बाद में मदर्स नेम, मदर्स नेम में पायल पायल कुमारी, ठीक है। उसके बाद में मदर्स नेम हो गया, उसके बाद में आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इसमें बता सकते हैं डीओबी, हम इसको शॉर्ट में ले देंगे डेट ऑफ बर्थ को डीओबी, और इसमें आप जैसे कोई भी लिख सकते हैं जैसे 25 जुलाई 1995, ठीक है। उसके बाद में आपका इसमें जो है एड्रेस आप लिखेंगे, एड्रेस एड्रेस में आपका क्या था फोर्टेन स्टेशन रोड, जो आपने एप्लीकेशन में ऊपर लिखा हुआ था वही एड्रेस आप यहां पर राइट करेंगे, तो जैसे फोर्टेन स्टेशन डॉट फोर्टीन स्टेशन डॉट रतन मार्ग जोधपुर, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। इसके बाद में आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर जो भी आपका वो आप राइट कर देंगे, जो जो भी आपका है, ठीक है, कोई सा जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी आप जैसे ईमेल कैसे बनानी है आपको, जैसे यहां पर देवेश कुमार है तो उसमें आप बना सकते हैं स्मॉल लेटर्स में आप बनाएंगे
देवेश कुमार जोधपुर @gmail.com ईमेल आईडी आपने बना के लिख दी मन से ही, ठीक है। उसके बाद में आप बताएंगे आपकी जो नेशनलिटी के बारे में, नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन। उसके बाद में आप बता सकते हैं मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा है सिंगल है, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस ठीक है, मैरिड है या अनमैरिड है इसके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे मैरिड है तो मैरिड आप लिख सकते हैं, और अभी शादी नहीं हुई है तो उसमें आप लिख सकते हैं अनमैरिड। दोनों में से एक ही लिखना है आपको, या तो मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस के बाद में आप बता सकते हैं लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज नॉन, कि आपको भाषाएं कौन कौन सी आती है, तो आप उसमें बता सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, जो भी आपको भाषाएं आती है। ठीक है, उसके बाद में लैंग्वेज नॉन हो गया। उसके बाद में आप बता सकते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके जो भी आपका बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, वो आप उसमें बता सकते हैं। तो अब यहां पर आपकी जो पोस्ट कौन सी थी पर्सनल सेक्रेटरी के रिगार्डिंग है, तो अब इसमें आप कोई सी भी लिख सकते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमए, जो भी है तो इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप क्वालिफिकेशन में आपने बता दिया एमकॉम, एमकॉम बता दिया आपने, एमकॉम फ्रॉम फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन फ्रॉम एमकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इन 2014, ठीक है। तो ये आपका हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद में आप बता सकते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है आपका, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस में आप बता सकते हैं, एक्सपीरियंस में आप बता सकते हैं कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस है तब तो आप एक्सपीरियंस बताइए, और यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस में फ्रेशर क्या लिख सकते हैं, FRESHER, फ्रेशर आप लिख सकते हैं। और यदि आपका एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, एक्सपीरियंस जैसे तो 4 साल का एक्सपीरियंस है आपका किसी कंपनी में, कहीं पर आपने काम किया है तो उसके बारे में आप बताएंगे। देखिए उसके बारे में आप बताएंगे, जैसे इसमें जो वर्किंग विद या फिर प्रेजेंट टाइम में आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपने वहां पर जो एप्लीकेशन दी है, क्योंकि आपको लगता है कि वहां पर आप वो एक अच्छी कंपनी है और वहां पर आपको सैलरी भी अच्छी मिल सकती है। तो जैसे अभी आप कहीं पर और काम कर रहे थे और यहाँ पर इनको एक जॉब एप्लीकेशन आपने दी है, क्योंकि यहाँ पर एक वैकेंसी निकली थी और एक अच्छी पोस्ट के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जैसे आपने बता दिया वर्किंग विद निधे ग्रुप ऑफ सारे नेशनल
रहेगा, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, यानी आप शादीशुदा है या नहीं है, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एक्सपीरियंस आपका क्या है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पर इसमें जो है ये क्या है, सारी है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद यहां से, ये यहां पर है वर्किंग विद, यहां पर SAREES, ठीक है ना, SAREES है, सारीज है यहां पर, आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक। तो ये आप लिखिए, इसके अलावा आप नीचे और लिखेंगे, इसके नीचे आप लिखेंगे हॉबीज, कि आपकी हॉबीज में क्या क्या है, देखिए आपको क्या क्या पसंद है, मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद यहां से लिखता हूं, एक्सपीरियंस के बाद में आप लिखेंगे हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या क्या है, हॉबीज में आप जैसे जो भी आपको हॉबी जो भी चीज आपको पसंद है, जैसे क्रिकेट आपने कर दिया, क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है ना, वॉचिंग मूवीज, जो भी आप या फिर रीडिंग बुक्स, ठीक है, जो भी आपकी हॉबी है वो आप पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं सैलरी एक्सपेक्टेड, कि भाई आपको सैलरी क्या चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेड, तो इसमें आप बता सकते हैं नेगोशिएबल, सैलरी एक्सपेक्टेड में आप बता सकते हैं नेगोशिएबल, ठीक है, सैलरी एक्सपेक्टेड में आप बता सकते हैं नेगोशिएबल। तो ये आपका क्या है, रिज्यूम यहां पर कंप्लीट होता है। तो इतना यदि आप करके आ जाते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में, तो आपके इसमें पूरे में से पूरे नंबर पक्के हैं। तो ये होता है तरीका कि जो एप्लीकेशन जो राइट करते हैं तो टू पार्ट्स में हम करते हैं, पहले पार्ट में हम एप्लीकेशन राइट करते हैं और सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में जो एप्लीकेशन राइट करते हैं उसका फॉर्मेट लगभग सेम का रहता है, सेम सा ही रहेगा, हम यहां पर सेम ही राइट कर सकते हैं, सिर्फ पोस्ट में चेंज कर देंगे। और बाकी जो सेकंड पोर्शन है हमारा रिज्यूम का, उस रिज्यूम के अंदर आपको मैंने बताया क्या क्या, खुद का नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो है एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी ईमेल आईडी है, कॉन्टेक्ट नंबर है आपका, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है और आपकी स्किल्स कौन कौन सी है और आपको सैलरी एक्सपेक्टेड कितना चाहिए। आप चाहे उसके अंदर एक चीज और बता सकते थे, स्किल्स, ठीक है ना, काफी लंबा हो जाता है आपका यदि देखे तो, यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से हमें जो मोस्ट मोस्ट चीजें वही आप इसमें लिख सकते हैं। स्किल्स में देखिए, स्किल्स में आप लिख सकते हैं जैसे हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है आपका जॉब एप्लीकेशन में कंप्लीट होता है ये आपका टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ प्लीज, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे मेरा नया वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।